गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रिधम अग्रवाल, नीट एयर 17। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में ये बताया कि टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, लेकिन मेरे को बहुत सारी क्वेरीज ये आए हैं कि इन टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने के बाद इनकी एनालिसिस कैसे करें। तो आज मैं इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए एक बार आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उनको 3-5 में डिवाइड कर देते हैं। एक जो आपके मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं, दूसरे आपके मार्क्स 500 और 600 के बीच में आ रहे हैं, और तीसरे आपके मार्क्स 600 प्लस के आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि अगर आपके मार्क्स 500 से कम आ रहे हैं, तो मतलब आपने टेस्ट पेपर देना अभी शायद सॉल्व करना स्टार्ट ही किया है, तो आपको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी बची हुई है। आप पहले तो ये स्टार्ट करिए कि जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उन चैप्टर्स का एक लिस्ट बनाइए। फिर टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद जब आप उनमें गलतियां देखते हो तो जो गलतियां आती है उन चैप्टर्स में टिक मार्क कर लीजिए। तो श्योर आपके 500 से कम आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी बहुत सारे चैप्टर्स में गलतियां आ रहे होंगे। तो आप सारे अब एक दिन में आप डेली, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप पेपर डेली सॉल्व करिए और डेली आपकी इतने सारी गलतियों में आप सारे चैप्टर्स रिवाइज कर नहीं पाओगे। तो आप ये देखिए कि आपके वीकेस्ट चैप्टर्स कौन से हैं। तो पहला आपका काम है कि आप अपने वीकेस्ट चैप्टर्स देखें। वीकेस्ट चैप्टर्स जो हैं उनको आप देखिए, उनको उस दिन आप रिवाइज करिए, और जब रिवाइज करने के बाद उन चैप्टर्स की साइड में एक छोटा सा टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद अगले दिन आप पेपर सॉल्व करिए, और अगर आपको फिर आप देखोगे कि अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े हो, अपने वीकेस्ट चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े हो, तो इनमें गलतियां होना कम है, और कुछ चैप्टर्स जिसमें गलतियां पिछले दिन नहीं निकली थी उनमें शायद निकली हो। तो ऐसे करते करते आप बार बार, एक डेढ़ हफ्ता आपको, दो हफ्ता लगेगा जिसमें आप ऑलमोस्ट सारे पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। दो हफ्ता या तीन हफ्ते ले लीजिए, तीन हफ्ते में आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। उस पश्चात आप देखिए कि आपका आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको इस रेंज में आना है। ये रेंज एक ऑप्टिमम रेंज है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शायद अचीव कर लें। तो 500 से कम आ गए आपके मार्क्स, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप उस पेपर का एनालिसिस कर लिए, उस पेपर के एनालिसिस के बाद आप वीकेस्ट टॉपिक्स देख लिए, सब कुछ चेक कर चुका। अब आपको लग रहा होगा तभी भी आपकी गलतियां ज्यादा निकल रही है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। दो दिक्कत आ सकती है, या तो आपके कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ सकती है या आपके क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड में कम आ सकती है। ये 500 से कम इस चीज में हो सकता है, सब में हो सकता है, लेकिन मेनली 500 से कम, या तो आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे या कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है। तो अगर आप पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो आप अपना पेपर का टाइम डिस्ट्रीब्यूट करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 घंटे का पेपर होता है। फिजिक्स जनरली सबसे ज्यादा टाइम लेता है, तो 1 आवर आप फिजिक्स में ले लीजिए, 30 मिनट्स आपके बायोलॉजी में होने चाहिए, 30 मिनट से ज्यादा आप बायोलॉजी में ना दें। ऑल्सो केमिस्ट्री आपका रेंज होना चाहिए कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के आपको 2.5 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब आप 90 क्वेश्चन यहाँ पर एज ए बायो में कर रहे हो, और 2.5 आवर्स में आप 90 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के कर रहे हो। बायो के आप 30 से 45 मिनट्स के रेंज में कर सकते हो। मैं जनरली 30 से 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता था, और ये बेस्ट टाइम रहता है, बिकॉज बायो काफी इजी सा रहता है और इसमें ज्यादा टाइम देना आपके लिए वो नहीं रहेगा। और आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप पहले फिजिक्स करना चाहते हो, केमिस्ट्री करना चाहते हो, बायोलॉजी करना चाहते हो। तो मैं क्या करता था, मैं पहले बायो पढ़ता था, इससे मैं जल्दी से जल्दी बायो खत्म करने की कोशिश करता था, और फिर बचा हुआ सारा टाइम मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। फर्स्ट में बायो अटेम्प्ट करके दूसरा में आता था केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में अटेम्प्ट करने के बाद फिर मैं बचा हुआ सारा टाइम फिजिक्स में देता था। तो मेरा टारगेट ये रहता था कि मैं 1.5 घंटे में, 1.5 आवर्स में फिजिक्स, मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों कंप्लीट कर सकूं। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद 1.5 घंटा में बस फिजिक्स में रहेगा, बिकॉज फिजिक्स में सबसे ज्यादा आपके एरर्स बहुत हो सकते हैं, शायद केयरलेस मिस्टेक्स आप सबसे ज्यादा फिजिक्स में कर सकते हो। केमिस्ट्री आप देखा जाए तो फिजिकल के आपके ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, 45 क्वेश्चन में से फिजिकल के आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम 12-15 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। बचे हुए तो सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं, वो ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेते, वो टाइम वो तो बायोलॉजी से भी कम टाइम लेते, बिकॉज बायोलॉजी में तो आपके
थ्योरेटिकल्स क्वेश्चंस रहते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने में बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसलिए आपके पास केमिस्ट्री और बायोलॉजी करने के लिए 1.5 घंटे हैं। 1.5 घंटे में आपको आपके बबल्स भी फिल करने हैं, इसलिए ये कर लीजिए। तो स्टार्टिंग में आपको ये जो सीक्वेंस है ये फॉलो करने में शायद दिक्कत आ जाए, लेकिन धीरे धीरे करके मैक्सिमम 2.5 आवर्स में आप 2 आवर्स 2.5 आवर्स में आप अपना पेपर पूरा खत्म कर देते हो। और आधा घंटा मेरा हैबिट ये था कि मैं लास्ट में पूरा बबलिंग करता था, पहले बायो और केमिस्ट्री का बबलिंग कर लेता था, फिर फिजिक्स की बबलिंग लास्ट में करता था। तो 2.5 आवर्स में जब पेपर खत्म हो जाता था तो आखिर में हमें फिजिक्स में रिवाइज करते करते बबल करता था। तो केयरलेस मिस्टेक्स होने के चांसेस नील हो जाते हैं। देखिए जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो अगर आपके कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होते हैं तो उसमें ज्यादा दुख नहीं होता, जितना आपको दुख होगा अगर आपको केयरलेस मिस्टेक हो जाए। तो केयरलेस मिस्टेक करना बहुत कम करना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले आप ये सीक्वेंस मैं तीनों के लिए बोल रहा हूँ, 500 to 600 जो स्कोर करने लग गए हैं उनको अपना सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि उनको आप कैसे करना है। ये चाहे आप 600 प्लस भी हो, अगर आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं मेनली इनके लिए बोल रहा हूँ जो 500 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे अभी। ये सीक्वेंस फॉलो करिए आपको जरूर ज्यादा मार्क्स आएंगे, बिकॉज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और नीट का पेपर मिलते ही ना आप पहले दिखा अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि नीट का पेपर बहुत जम्बल्ड अप होता है। आपको कोचिंग में बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों सेट सब हेडिंग के हिसाब से आ जाता है, लेकिन जब आप नीट का पेपर देखोगे 180 क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज होते हैं, उसमें डिवाइडेड नहीं होता कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसलिए कंटिन्यू कर लीजिएगा। ऑल्सो वीकेस्ट आपका ये जो वीकेस्ट टॉपिक्स आप एनालाइज करने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा, फिर आप देखिएगा धीरे धीरे आपके मार्क्स रेंज 500 to 600 के बीच में आने लग जाएंगे। अब मैं बोलता हूँ 500 to 600 वाले बच्चों के लिए, 500 to 600 मार्क्स आ रहे हैं मतलब आपका जो सीक्वेंस है स्ट्रैटेजी है काफी सही हो चुका है। लेकिन अब आप देख रहे हो कि आपका स्टिक अराउंड हो चुका है, एक मार्क्स के रेंज में कम ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा। तो इसलिए अब आप पेपर एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट कर दीजिए। जब आप पेपर एनालाइज करते हो अब आपके चैप्टर्स पर्टिकुलरली फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वीक है, या फिजिक्स या बायोलॉजी या केमिस्ट्री। तो आप इंडिविजुअल डे में आप उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना। जैसे आज आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पहले देखे कौन से चैप्टर्स में दिक्कत आई, आज आपको पता चला कि फिजिक्स में बहुत लो स्कोर हुआ है, तो आप फिजिक्स में ज्यादा फोकस करिएगा। फिजिक्स के एमसीक्यूज उस चैप्टर के ज्यादा मत सॉल्व करिएगा। लाइक देखिए नोट्स अब सबके पास होंगे, कोई थ्योरी बेस नहीं होगा, तो आप उन नोट्स में जनरली जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उन नोट्स में क्या होता है, उन नोट्स में बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सीक्वेंशियली पढ़ते रहिए तो आपको पता चलेगा कि बहुत इजीली आपका फिजिक्स इंप्रूव हो रहा है। फिर केमिस्ट्री में आ जाइए, केमिस्ट्री बहुत ईजी है, दिक्कत कहाँ आ सकती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ सकती है, फिजिकल में आ सकती है, ऑर्गेनिक में आ सकती है। ऑर्गेनिक में मैंने बोला आपको फिर से ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से किया हो तो आपके आ जाएंगे प्रीवियस ईयर में। हाँ लेकिन टेस्ट पेपर्स में मैंने बहुत बार देखा है कि टेस्ट पेपर्स में ऑर्गेनिक थोड़ी डिफिकल्ट आती है, उस पर ज़्यादा वरी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपसे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक आराम से कर लेंगे। फिर आप आ जाइए इनऑर्गेनिक पे, इनऑर्गेनिक में कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है, मतलब आपको एनसीईआरटी पढ़ना बचा हुआ है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना होगा। तो दिन में आप अब जो सीक्वेंस है 500 से कम वाले बच्चों के लिए और 500 से 600 वाले बच्चों के लिए, आप दिन में एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का जरूर करेंगे, चाहे आपका वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, लेकिन एक चैप्टर इनऑर्गेनिक का करना जरूरी है। फिजिकल वीक होने के लिए आप जनरली फिजिकल की गलतियां इक्विलिब्रियम में होती है, तो उस चैप्टर को आप शायद एक प्रदीप की किताब आती है प्रदीप बोल के, मैं उससे पढ़ता था, काफी अच्छी किताब है, उससे आप बेसिक क्वेश्चन जो है ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते नहीं है नीट में, तो आप बेसिक क्वेश्चन अगर पढ़ लो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स आते हैं उनको भी पढ़ लीजिए, तो आप काफी अच्छे से इक्विलिब्रियम कर लोगे। ऑल्सो बायोलॉजी के बारे में आ जाइए, बायोलॉजी अगर आपके 500 to 600 के बीच में आ रहे हैं मतलब आपके केमिस्ट्री में मतलब बायोलॉजी में ऑब्वियसली 600 plus आ रहे हैं, मतलब आपका बायोलॉजी का ट्रैक सही है। बायोलॉजी में आप सही ट्रैक में हो मतलब आपके आप इम्प्रूव कर पाओगे, तो 300 plus आपके बायोलॉजी में आना जरूरी होते हैं। इसके लिए आप बायोलॉजी 2 चैप्टर दिन के पढ़ लो,
जिन बच्चों के केमिस्ट्री 500 से कम में आ रहे हैं, तो आप बायो दो चैप्टर यहां पढ़ो, आप बायो यहां पर तीन चैप्टर पढ़ने की बहुत जरूरत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एक चैप्टर यहां पर भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका एक चैप्टर यहां पर भी, तो आप इतना तो पढ़ लो। फिजिक्स में आ जाइए, फिजिक्स में देखिए फिजिक्स बहुत मतलब एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें कितने ज्यादा क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं उस पे होता है। तो फिजिक्स आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और फिजिक्स में जो चैप्टर में गलत हो रहा है उसके प्रीवियस से करिए। जो चैप्टर गलत हो रहा है उसका प्रीवियस ईयर करिए, उसमें आपको वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे थरो हो जाने चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट मग अप हो जाने चाहिए, तो आपके सारे जो फॉर्मूले हैं कॉमनली आज फॉर्मूले हैं वो याद हो जाएंगे आपको। यहां पर भी अगर आपके सब टाइम नहीं है फिजिक्स, तो देखिए जब आपको 5 मिनट से कम आ रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको फॉर्मूले भी ढंग से याद नहीं होंगे, तो आप फिजिक्स के अभी फॉर्मूले रटो, अच्छे से मगअप करिए। और मगिंग आप ऐसे मत करिए कि आप बस ऐसे अंधाधुंध क्या 4 जीरो जो मास इतना एक्सेलरेशन, ऐसे नहीं, 4 जीरो जो मास इतना एक्सेलरेशन और आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो, हाँ मास इतना दिया है मतलब आप कोई क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए इसको, और फिर आप प्रीवियस ईयर करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब आ जाते हैं जिन बच्चों के 600+ आ रहे हैं, 600+ मतलब बहुत अच्छा मार्क्स है, बस आपको अपना स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट रहना है। मैं इस मार्क्स के रेंज के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, 600+ मतलब आपका बहुत अच्छा कॉलेज आना पक्का है, अगर आप डेली कंसिस्टेंटली 600+ ला रहे हो। 600+ फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स अच्छे हो गए 600+ के लिए, बायोलॉजी एक चैप्टर यहां पर, और अब आपका टाइम आ गया, 600+ आया तो दो टेस्ट पेपर सॉल्व करने लग जाएंगे। अब आपके पास टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद ज्यादा टाइम है, क्योंकि आपके पास फिजिक्स के सारे वो हैं। फिजिक्स एक चैप्टर करके दिन में जब आपका जोन से चैप्टर वीक लग रहा है आपको उसको रिवाइज कर लीजिए, और इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर करना जरूरी है, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वोलेटाइल है, लास्ट में अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक रह गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिकली मैं यही बोल रहा हूँ 500 से कम वाले बच्चे ज्यादा वो मत हो, लेकिन हाँ डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, लेकिन अभी हाँ नीट पोस्टपोन हो गया और 2 महीने भी हैं आपके लिए तो बहुत इजी रहेगा, और जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन लाइक इसके बाद अभी ड्रॉप करेंगे तो उनको बहुत इजीली ये रेंज फॉलो करिए, 3 चैप्टर 2 चैप्टर 1 चैप्टर 1 1 चैप्टर। जब अगर आपके पास टाइम बच जाए तब आप और बायोलॉजी पे फोकस करें, फिजिक्स आप फिजिक्स पे एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो फिजिक्स के, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, एनालिसिस करना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, टिक मार्क कर लीजिए कौन से चैप्टर्स वीक है, आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद से पता है, उस चैप्टर को ढंग से पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।